अब आपको बताएं कि महंगाई का राज बरकरार, सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया। सब्जियां सरकारी निर्ख नामों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त, प्याज 260, टमाटर 80 और लहसुन 490 रुपये तक बिकने लगा। मजीद क्या तफसीलात हैं अब्दुल कादिर से जानते हैं। जी अब्दुल कादिर जी, बिल्कुल, आज जो सब्जी मंडी इंतजामिया की जानिब से सरकारी नर्सनामे जारी किए गए उसमें 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक शामिल है उनकी कीमतें कम नहीं हो सकती है। प्याज मार्केट में बदस्तूर 260 रुपये फी किलो तक फरोख किया जा रहा है, दर्जावल का टमाटर 80 रुपये फी किलो तक, लहसुन 490 से 500 रुपये तक, अदरक जो है वो 600 रुपये फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। जबकि जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें सब्जियां 15 रुपये महंगी करके 95 रुपये सरकारी रेट में दर्ज की है, लेकिन मार्केट में 120 से 140 रुपये फी किलो तक फरोख की जा रही है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें करेले 10 रुपये महंगे करके 260 रुपये में करे गए, मार्केट में 310 से 330 रुपये फी किलो तक फरोख किए जा रहे हैं। अब देसी 10 रुपये महंगी करके 50 रुपये में करे गई है, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फी किलो तक फरोख की जा रही है। शलजम 6 रुपये महंगा करके 36 रुपये फरोख, 50 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। शिमला मिर्च 5 रुपये इजाफे के बाद 95 रुपये, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक शिमला मिर्च फरोख की जा रही है। गाजर चाइना 3 रुपये महंगी करके 50 रुपये में करे गई है, लेकिन मार्केट में यही गाजर 70 रुपये फी किलो तक फरोख की जा रही है। एक फल जो है वो आज सरकारी रेलिस्ट में महंगा किया गया जिसमें केला दर्जा अव्वल है 5 रुपये महंगा करके 125 रुपये में करे किया गया, लेकिन मार्केट में 150 से 160 रुपये फी दर्जन तक फरोख किया जा रहा है। इसी तरह से एक काला फूल 260 की बरस 380 रुपये फी किलो तक, दर्जा दो केला जो है 75 की बरस 100 रुपये फी दर्जन तक फरोख किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियाँ और फल जो है सरकारी नर्सनामों के बरस मार्केट में महंगे दामों फरोख की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया।